चलिए सवाल क्विज, बहुत मजेदार क्विज है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यहाँ कितने बैठ लोग बैठे हुए हैं? 100 पकड़ लो। आज के दिन में बाजार में 100 ट्रेडर्स हैं। आउट ऑफ 100 70 आर बायर्स। अब सलमान खान चाहे शाहरुख खान बना दे 5,000 करोड़ की पिक्चर, थिएटर में एक आदमी ना पहुंचे देखने के लिए, कोई फायदा है उस पिक्चर को बनाने का? तो यहाँ वो पिक्चर बनी है 3,000 लॉट की जिसको देखने वाला कोई दर्शक है ही नहीं। जितना बाजार को मैं समझाऊ, मैंने देखा है कि जीतता हमेशा राइटर ही है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने अमित जी से बहुत सारी बातें की थी। अमित जी हमारे साथ हैं आज फिर से, और इस एपिसोड में अब हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने इनकी जर्नी के बारे में बात किया था, ऑप्शन चेन बेसिक टू एडवांस। ऑप्शन चेन में होता क्या है, किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं अपने ट्रेड्स को अगर हम एकदम ही नए ट्रेडर हैं, या फिर अगर हम एकदम ही एक्सपीरियंस्ड। यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं। आपको हमारे कपड़े वैसे ही देख रहे हैं क्योंकि ये शूट हमने एक दिन में किया, आपको दिख 2 दिन में रहा है। फिर भी बातें शुरू करते हैं आज की हम। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो अमित जी आज बात शुरू करते हैं हम लोग। एकदम मैं नया ट्रेडर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे मार्केट का ABCD नहीं पता है। आपने बताया आप मार्केट में एकदम, आपने कैंडलस्टिक वगैरह कुछ नहीं सीखा है, आप LTP कैलकुलेटर से ही सीखना शुरू किया है। मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो ये, मुझे क्या करना चाहिए और कहां से ये चीजें देखनी शुरू करनी, कैसे मुझे ये सब समझ में आएगा? ये सारे नंबर्स हैं, मुझे नहीं समझ आते हैं, मुझे नहीं दिखता है कि क्या इसमें WTT है, क्या WTB है, क्या सपोर्ट है, क्या मुझे नहीं दिखता, आपकी बातें भी नहीं समझ में आती, मैं क्या करूं? सिंपल सा एक तरीका है, मैंने कॉपी किया था आपको। अब जिसको कुछ नहीं आता है वो मुझे कॉपी करे, सिंपल सा तरीका है। कैसे कॉपी करें, क्या क्या सीखना शुरू करें? आप ऑप्शन चेन में मुझे दिखाइए। मुझे आज तक कैंडलस्टिक आता भी नहीं है, कभी कोशिश भी नहीं की मैंने सीखने की, चार्ट पैटर्न भी नहीं समझता है, जरूरत भी नहीं है अब। तो मेरा अगर फॉलो करेंगे तो सीधा ऑप्शन चेन पे चलते हैं। चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। LTP कैलकुलेटर पे अगर मैं देखूं तो ऑप्शन चेन है। अब मुझे निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि नंबर्स होते हैं, कॉल होता है, पुट, इतना तो सबको समझ ही आता है। कॉल पुट, फिर भी एक बेसिक सी बात बता दीजिए, कॉल का मतलब क्या होता है और पुट का मतलब क्या होता है? कॉल की बाइंग होती है, सेलिंग होती है। तो कॉल बाइंग जो पोजीशन अपनी क्रिएट करता है उसका नहीं, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे क्या करना चाहिए? वही होता है कि अगर जिसको जिसका ट्रेड लेना है, जैसे बाजार 20,000 पे खड़ी है, जिसको ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है कि उसका वो कह रहा है कि बाजार ऊपर जाने वाली है, मुझे ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, तो वो कॉल खरीदता है। ठीक है। और जिसको नीचे की पोजीशन बनानी है कि यहाँ से बाजार ऊपर नहीं है, नीचे जाने वाला है, तो वो पुट खरीदता है। कॉल इज काइंड ऑफ की प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये होता है कि एक पूरा का पूरा मार्केट प्राइस हो गया, जैसे मार्केट है 20,940 चल रहा है ना, अब 940 से बाजार जाने वाला है 22,000 मान लीजिए। हाँ। तो 60 पॉइंट्स मूव करेगा। हाँ। तो 60 पॉइंट्स मूव करने के लिए या तो हम पूरा पैसा बाजार में लगाए, या तो हम उसका एक छोटा सा प्रीमियम खरीद लें। जैसे आप शेयर, जैसे रिलायंस है, तो आप पूरी रिलायंस कंपनी तो खरीद नहीं सकते, इतनी हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन हम रिलायंस का एक शेयर खरीद सकते हैं। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो वो शेयर भी उसी रेशियो में आगे बढ़ेगा। ठीक वैसा ही है यहाँ पर, इसको हम कह सकते हैं कि 940 से 22,000 मार्केट जाएगा, तो 60 पॉइंट्स मार्केट मूव करेगा ऊपर, तो हमारा कॉल ऑप्शन भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। वैसे नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन उसी रेशियो में बढ़ेगा, बढ़ते रहे। हमको पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उस कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे आपको स्टॉक मार्केट में रिलायंस कंपनी के पूरे प्रॉफिट का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका शेयर जिस रेशियो में बढ़ेगा उस शेयर का पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बताते हैं। इसकी खरीदारी हमेशा लॉट्स में होती है, लॉट्स में होती है। स्टॉक्स में जैसे हम रिलायंस की बात कर रहे थे, आप रिलायंस में आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं। हाँ। मैं 2 भी खरीद सकता हूँ, ये 3, 4, 5, 40, 50 इतना खरीद सकते हैं। लेकिन इंडेक्स में या फिर कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शंस हो गया, इसको हमेशा लॉट्स में खरीद। यहाँ पर लॉट साइज हमको कैसे दिखाई देगा? लॉट साइज हमको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दीजिए, एक्सट्रीम राइट पर दिखेगा। एक्सट्रीम राइट पर, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट पे मैं जाता हूँ तो आपको स्क्रिप्ट दिखेगा। स्क्रिप्ट का मतलब जो भी स्टॉक हो गया, इंडेक्स हो गया, जितने भी FNO में आएंगे, NSE में, जैसे मैंने स्क्रिप्ट ले लिया है निफ्टी, उसके एग्जैक्ट राइट साइड में मैं जाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ है लॉट साइज 50। ठीक है, तो ये लॉट साइज डिफाइन हो गया। अब ये डिफाइन कौन करता है? ये एक्सचेंज डिफाइन करेगा। ठीक है, तब उसका देखना पड़ेगा कि हर स्टॉक में, जैसे मैं रिलायंस में ट्रेड कर रहा हूँ, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं रिलायंस में चले जाता हूँ, रिलायंस में मैंने फिल्टर कर दिया, अब रिलायंस में 50 रहना जरूरी नहीं है, रिलायंस का 250 है, तो ये हर स्टॉक का, हर इंडेक्स का अपने अपने हिसाब से रहेगा। अब ये मुझे दिखाई कैसे देगा कि ये किधर जाना है या क्या होना है, कहाँ क्या क्या चीजें इसमें देखूं मैं? अब हमने लॉट साइज देख लिया, हमने स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे पता है कि मुझे एक चीज खरीदनी है, कितनी खरीदनी है। अब मैं ऑप्शन चेन में आ गया, अब मुझे ये भी पता है कि मेरा, मुझे ऊपर का ट्रेड लेना है, कॉल खरीदना है, इतना तो मुझे पता है, ये मैंने अपना बना लिया। तो अब इसमें LTP कैलकुलेटर के इस पे मैं देख रहा हूँ,
कि लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है पुट, ठीक है। तो इतना तो मैं नेकेड आईज या फिर एक न्यूबी हूं, तो समझ आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेटा दिख रहा है ये कॉल्स का डेटा दिख रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो डेटा दिख रहा है वो पुट्स का डेटा है, ठीक है, और बीच में कुछ ऑरेंज लाइन बनी हुई है, हाँ, वो मुझे समझ नहीं आ रही है। ओके, ये जो ऑरेंज कलर की पट्टी बनी हुई है, हाँ, तो अब मैं ऑरेंज कलर की पट्टी में देखने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है, स्ट्राइक प्राइस 21,500, 21,550, 21,600, तो इनमें मुझे 50-50 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये भी एक्सचेंज ही डिसाइड करता है, ओके, कि किस स्टॉक में किस इंडेक्स में कितना डिफरेंस देना है। जैसे अगर बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो अगर मैं बैंक निफ्टी में चले जाऊँ तो ये 50 का जो निफ्टी का डिफरेंस था वो बैंक निफ्टी में 100 का हो जा रहा है, 100 का हो जाता है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, ठीक है। तो ये 45,800, 45,900, तो ये मुझे स्ट्राइक प्राइस दिख गया, ठीक है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि हर स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल बना हुआ है, 45,800, 45,700, 45,600, तो मैं कोई भी कॉल खरीद सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई, कॉल आ गया, स्ट्राइक प्राइस आ गई, अब मैं कॉल खरीदने के लिए तैयार हूँ। पुट नहीं खरीदेंगे अभी, तो हम चढ़ते हुए बाजार की बात, चढ़ते हुए बाजार में कॉल खरीदने के लिए, ठीक है। अगर यही मेरा जैसे अपनी बैंक निफ्टी है 45,830, मुझे पता है कि 45,700 तक जाने वाली है, तो मैं पुट खरीद रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड का जितना भी डेटा मुझे दिख रहा है वो पूरा पुट्स का डेटा है, ठीक है। मतलब बाजार ऊपर जाएगा तो हम कॉल्स कर देंगे, नीचे गिरेगा तो पुट्स खरीद। बाजार कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? बाजार जहाँ ये स्ट्राइक प्राइस का कॉलम बना हुआ है ऑरेंज, हाँ, वाला, जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है उसके एग्जैक्ट ऊपर ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, हाँ, वहां पर स्पॉट प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, यानी कि मार्केट अभी जो करंट मार्केट में जिसको हम लोग एक्चुअल एलटीपी ऑफ द मार्केट, लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ द मार्केट, वो हमको वहां पर दिखाई दे रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट मेरा होता है जिसको मैं कहता हूँ इमेजिनरी लाइन, है ना, तो ये इमेजिनरी लाइन क्या चीज होती है? कई बार मैंने सुना है, देखा है, मैं ये सवाल अपनी ऑडियंस की तरफ से पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके जवाब मैंने तो कई बार दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके जवाब से लोगों को समझ में आए। तो इमेजिनरी लाइन कहाँ होती है और इसका काम क्या होता है बेसिकली? अब मैं क्या देख रहा हूँ ऑप्शन चेन में कि मुझे कॉल मिल गया लेफ्ट पे, पुट मिल गया राइट पे, सेंटर में स्ट्राइक प्राइस आ गई, लेकिन स्ट्राइक प्राइस को डिवाइड करते हुए एक मुझे हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन दिख रही है, तो ये जब मैं देख रहा हूँ तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड मतलब कॉल्स के डेटा में ऊपर की तरफ हल्का सा ग्रेइश कलर बना हुआ है। हाँ, ये आप लोगों को दिखाई देता है ग्रे कलर? किसने किसने ध्यान दिया हुआ है? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखा है ग्रे कलर कभी? हल्का सा ग्रेइश टिंट है इसमें, हाँ, कॉल साइड में ऊपर की तरफ दिख रहा है और पुट साइड में उसी लाइन के नीचे की तरफ दिख रहा है, मतलब ये लाइन का कुछ तो रेफरेंस होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा, तभी ये लाइन बन रही है, ठीक है। और इसको आधे घंटे एनालाइज करते हुए मुझे पता चला कि ये लाइन चेंज भी हो रही है, मतलब एक दो स्ट्राइक प्राइस के बीच से किसी और दूसरे स्ट्राइक प्राइस के बीच में अभी जैसे 800 900 के बीच में है, थोड़ी देर पहले ये 900 और 46,000 के बीच में थी, ये नीचे आ गई है। ओके, तो अब ये पता किया जाए कि ये इमेजिनरी लाइन क्या है। तो जब मैंने पता करने की कोशिश की कि सेंटर में स्ट्राइक प्राइस बने हुए हैं, उसी के ऊपर स्पॉट वैल्यू लिखा हुआ है, तो वो स्पॉट वैल्यू को जब चेक किया तो इमेजिनरी लाइन जहां बनी हुई है उससे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, इन दोनों के बीच में ही मुझे स्पॉट प्राइस हमेशा मिलता है, ठीक है। तो वो इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट ही मुझे पता चला कि जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, मार्केट प्राइस जो भी एलटीपी चल रही होगी उस इंडेक्स की या स्पॉट ट्रेड की, उसके बीच में वो लाइन बन जाती है। तो ये फ्यूचर प्राइस के हिसाब से होता है या स्पॉट प्राइस के हिसाब से होता है? आप में से कोई बताएगा? स्पॉट प्राइस के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से नहीं होता है ना? हाँ, ये जितनी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं अपने ऑप्शन चेन में एलटीपी कैलकुलेटर पर, ये सब हम लोग स्पॉट प्राइस के हिसाब से करते हैं, ना कि फ्यूचर प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमको इमेजिनरी लाइन यहां पर मिल गई, और ये इमेजिनरी लाइन के बारे में एक क्विज भी है। क्या ये इमेजिनरी लाइन दिन भर स्टेबल रहती है या अपनी जगह बदल सकती है? कब बदलेगी जगह? ठीक है, जब बाजार का भाव अपनी जगह बदलेगा तो इमेजिनरी लाइन अपनी जगह बदल जाएगी। अब सवाल आपसे है, सवाल ये है कि बार बार बातें होती हैं कि इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस एट इमेजिनरी लाइन, ये क्या चीज होती है स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी? ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा था कि स्पॉट प्राइस अभी जैसे 863 कह रही है, ठीक है, तो 863 के नीचे जितना मैं चले जाऊं सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस मुझे क्या मिल रही है? ठीक है, 853 के नीचे सबसे नियरेस्ट क्या मिल रहा है हमको? 45,800 दिख रहा है, 800 मिल रहा है, ठीक है। और उसी स्पॉट 45,863 के ऊपर कौन सी स्ट्राइक प्राइस है? तो मुझे 900 मिल रही है, तो ये दो मुझे स्ट्राइक प्राइसेस मिल गए, तो ये हो गई जोड़ी। जोड़ी 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 का मतलब कि जिन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में मार्केट प्राइस है उसको हमने इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कहा, ठीक है। अब यहीं से बात शुरू होती है हमारी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात होती है हर बार बात यहीं से शुरू होती है इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? बात की शुरुआत हम लोग
सपोर्ट से करते हैं, तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस में सबसे पहला कौन सा एलिमेंट होता है जिसको हमको जानना चाहिए, तब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जान सकते हैं? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कॉल और पुट। तो सपोर्ट हमेशा हमारा पुट साइड में ही रहेगा, ठीक है, और पुट साइड मतलब हमारा राइट हैंड साइड ऑफ ऑप्शन चेन, मतलब स्ट्राइक प्राइस का जो कॉलम है ऑरेंज कलर का, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड पे जो भी रहेगा उधर ही हमारा सपोर्ट कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है, और उसी के लेफ्ट साइड पर हमारा रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं। किस चीज से मिलकर बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है ओआई और वॉल्यूम से। ओआई और वॉल्यूम, ये दो नए शब्द हमको मिले। अब हमको पहले तो इसी के ऑपरेशन करते हैं कि क्या होता है ओपन इंटरेस्ट और क्या होता है वॉल्यूम। आप में से कोई बताना चाहेगा ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? सेलर लोग हैं, उन्होंने वहां पे पोजीशंस बनाए हैं, राइटर लोगों ने पोजीशन बनाई है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा ओपन इंटरेस्ट को? ओपन इंटरेस्ट कोई और एक्सप्लेन, वहां पर दे दीजिए माइक प्लीज। उस स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट यानी ओपन पोजीशन राइटर्स की, राइटर्स की ओपन पोजीशन। चलिए एक नया शब्द भी आ रहा है राइटर, याद रखिएगा सारे शब्द हमको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। राइटर आ गया, ओपन इंटरेस्ट आ गया, और सर ऐसे लोग जो खरीदने से पहले एलटीपी बेच देते, खरीदने से पहले इसको बेच देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन और बढ़ रहा है। और चलिए अब आप बता दीजिए मुझे, राइटर शब्द आया है, हाँ। खरीदने से पहले बेचना शब्द आया है, और ओपन इंटरेस्ट शब्द आया है, ओआई शब्द आया है, इन सब का मतलब बताइए कि ये होता क्या है? कॉल और पुट की जब हमने बात पहले तो यहाँ दिखाई कहाँ पर दे रहा है ओपन इंटरेस्ट, कौन से वाले कॉलम को कहते हैं? ऑरेंज कलर का अगर स्ट्राइक प्राइस देखा जाए, हाँ। तो एक तो पहले एक साइड का देखा जाएगा, तो मान लीजिए राइट चूज कर लिया, पुट साइड आ गए, हाँ। तो स्ट्राइक प्राइस के जस्ट एडजेसेंट में मैं देख पा रहा हूँ एलटीपी, ठीक है, लास्ट ट्रेड प्राइस, उसके एडजेसेंट में देख पा रहा हूँ मैं चेंज पॉइंट्स, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, चलिए। उसके जस्ट बाजू में मुझे दिख रहा है वॉल्यूम, ठीक है, उसके जस्ट बाजू में दिख रहा है मुझे ओआई, इसके बगल में तो ओआई चेंज भी तो दिख रहा है, हाँ, वो ओआई चेंज है, हाँ। अब ये प्लेन ओआई है फिलहाल, अभी जो सर कह रहे थे जिसकी बात हम कर रहे थे ओपन इंटरेस्ट की, वो इस ओआई की बात कर रहे हैं, इस ओआई की बात कर रहे थे, मतलब ये वाले 1 2 3 4 नंबर कॉलम की बात कर रहे हैं, एक दोनों तरफ 4 नंबर कॉलम, हाँ, दोनों 1 2 3 4 चौथे नंबर कॉलम, चौथे नंबर की कॉलम की बात कर रहा है, ये पुट साइड का ओआई हो गया, राइट हैंड साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉल साइड का ओआई हो गया, ठीक है, तो ये ओआई क्या होता है? हाँ, तो एक तो 1% लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, हाँ, और जो पहले देखते भी थे उनमें से 99% लोगों को ऑप्शन चेन मतलब सिर्फ ओआई लगता है, हाँ, कि ओपन इंटरेस्ट है, उसका कुछ एनालिसिस किया जाएगा, उस पर ट्रेड कर लिया जाएगा जो भी है। तो ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है, ओपन मतलब खुला हुआ और इंटरेस्ट मतलब जिनका इंटरेस्ट बना हुआ है। बात आई थी कॉल बाइंग की, कॉल पुट बाइंग की, तो तब मैंने कहा था एक बायर होता है एक सेलर होता है, ठीक है, तो सेलर, अब मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया था जब भी 45,800 का 900 पर चल रहा है, मुझे सेल करना है, मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, ये मेरा सिंपल सा एक ट्रेड हो गया, मैंने कॉल खरीदा कॉल बेच दिया, अब मैंने बेच दिया तब तो मैं सेलर बन गया था, ठीक है, ये हो गया कॉल ऑप्शन बायर। एक होता है ऑप्शन राइटर, जो भी सर ने एक सवाल पूछा था कि ऑप्शन राइटर क्या होता है, तो ऑप्शन राइटर क्या होता है, पहले बेचने की पोजीशन लगाता है कॉल हो या पुट हो, उसको सेल करता है, और फिर पोजीशन जब उसकी स्क्वायर ऑफ करनी होती है तब वो उसको बाय कर लेता है। अच्छा, कोई हाँ। चीज मतलब पहले खरीदने से पहले बेच दी। हमारे नॉर्मल व्यापार में भी तो ऐसा पॉसिबल हाँ, होता है, कई बार हम लोग माल मंगा लेते हैं हाँ। और उसको पहले बेचते हैं और बाद में जब उसका पैसा आ जाता है तो फिर हम डीलर को देते हैं कि भाई ये तुम्हारा पैसा आ गया है ना, वैसे ही यहाँ भी है, पहले हम मतलब हम वी आर काइंड ऑफ की ऐसे रिटेलर जो पहले माल मांग के बेच दे रहा है हाँ। बाद में डीलर को पैसा पे कर रहा है कि चलो ठीक है ये लो तुम्हारा पैसा, और वो अज्यूम कर रहा है कि जिस भाव पे मैंने बेचा है हाँ। जब मैं खरीदने जाऊंगा हाँ। तो भाव उतरने वाला है, उससे ज्यादा नीचे गिरने वाला है। जैसे गोल्ड का ले लिया हाँ। मैं कोई स्टोर में गया, गोल्ड वाले ने मुझे गोल्ड बेच दिया 60,000 में, ठीक है, अब वो एक्सपेक्ट करेगा, वो होप करेगा कि 59 हो जाए 58 हो जाए, ताकि मैं जब अपने डीलर से खरीदने जाऊं तो वो 2000 का जो डिफरेंस रहेगा उसको प्रॉफिट बन जाएगा। हाँ, ये अच्छा एक एग्जांपल हुआ कि जैसे कि गोल्ड हुआ, मान लीजिए कि कोई ऐसा शोरूम आए, जो शोरूम क्या करता है, जो शोरूम ऐसा करे कि आपको एक ऐसा ऑफर दे कि हमारे यहाँ गोल्ड आप खरीदिए उधार भाव में और पैसा चुकाइए 15 दिन बाद, सही है? अब 15 दिन बाद पैसा चुकाइए तो रिस्क किसका हुआ? शोरूम वाले का हुआ। क्या रिस्क हुआ? कि उधार भाव में आपने खरीदा, आज के भाव में आपने खरीदा, 15 दिन बाद अगर गोल्ड का भाव गिर गया तो किसका फायदा हुआ? आपका फायदा हुआ। दोनों केसेस में उस पर्टिकुलर शोरूम वाले का क्या हुआ कि फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। तो यहां पर राइटर भी वैसा ही होता है, ये बेचता है तो वो ये उम्मीद करता है कि मेरा भाव ये नीचे जाता जाएगा 5 पैसा आएगा तो मैं खरीद लूंगा। व्यापार का सीधा सा नियम है कम भाव पर खरीदना ज्यादा भाव पर बेचना। तो यानी कि राइटर जो होता है
राइटर पहले पोजीशन को बेचता है, बाद में खरीदता है, तो हमको ओआई तो राइटर तो समझ में आ गया, अब राइटर ओआई कैसे बनाता है, ओपन इंटरेस्ट कैसे बनाता है? तो जितना भी ओआई मार्केट में डेवलप होता है हाँ, ये सिर्फ राइटर बनाता है। अच्छा। इतना समझना होता है, ठीक है। जैसे मैंने जब भी कॉल ऑप्शन बाय किया था, मैं ओआई डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है, ओआई मेरे से जनरेट नहीं होगी, ठीक है। जो भी व्यक्ति अपना ट्रांजैक्शन, एक चीज होती है ट्रांजैक्शन, एक चीज होता है ट्रेड। ट्रेड खत्म तभी होता है जब उसमें एक बार खरीदा जाता है और एक बार बेचा जाता है, ठीक है। जो भी चाहिए आप पहले कर लो, पहले बेच दो या पहले खरीद लो, पर उसका कॉन्ट्राडिक्टरी आपको करना पड़ेगा, तब वो ट्रेड कंप्लीट होता है। तो ओआई सिर्फ राइटर ही जनरेट कर सकता है। तो बायर, बायर का क्या रोल होता है फिर ट्रेडिंग? बायर का रोल होता है राइटर के लिए अपनी पोजीशन देना। जैसे आपने बेच दिया, ठीक है, मैंने खरीद लिया, मैं बायर हूँ, आप सेलर है, तो मैं जब खरीद रहा था मेरी ही पोजीशन आपने खरीदी। अच्छा। मैं ऑफर कर रहा था आपको कि सर खरीद लीजिए 10 रुपए में, एक प्रीमियम है 10 रुपए। तो आप तो राइटर है, तो फिर मेरे को ज्यादा भाव या कम भाव ऐसा कुछ ऑफर कर सकते हैं? हाँ, ये होता है। तो जैसे अभी प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है, मान लो 45,800 का कॉल सेट चल रहा है 143। मैं बायर हूँ, मैं 143 पे खरीदने जा रहा हूँ, और मेरा एक्सपेक्टेशंस बाजार में ये है ये 143 बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि व्यापार का नियम होता है सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, ठीक है। अब मैंने खरीद चुका हूँ, अब मुझे चाहिए ये प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए, और आपने बेच दिया है, आपको चाहिए ये प्राइस घटती रहनी चाहिए, ठीक है। जितना बाजार को मैं समझाऊ, मैंने देखा है कि जीतता हमेशा राइटर ही है। तो फिर हम क्या बायर लोग फिर छोड़ दें ट्रेडिंग? नहीं, बायर, अगर बायर लोग हट जाए तो राइटर लोग बचेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। आपके कुछ रिलेटेड राइटर से रिलेटेड सवाल, यानी कि ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड किसी के सवाल, जो ओपन इंटरेस्ट रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हो? कोई सवाल नहीं, सबको ओपन इंटरेस्ट क्लियर है? हाँ, नहीं क्लियर है? पक्का नहीं क्लियर है? मैं अभी एक सवाल पूछ दूं? हाँ, चलिए मैं एक कंडीशन देता हूं। चलिए सवाल, क्विज, बहुत मजेदार क्विज है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यहाँ कितने बैठे लोग बैठे हुए हैं? 100 पकड़ लो। आज के दिन में बाजार में 100 ट्रेडर्स हैं, आउट ऑफ 100 70 आर बायर्स और 30 राइटर्स हैं, आउट ऑफ 30 राइटर्स 25 हैव ऑफर्ड 3000 लॉट्स ऑफ निफ्टी। निफ्टी लॉट साइज इज, निफ्टी का लॉट साइज 50 है। आउट ऑफ 70 बायर्स हैव बॉट 100 लॉट्स ऑफ निफ्टी, 3000 माइनस 100 इज इक्वल टू 2900 ऑफर्स फ्रॉम राइटर्स आर स्टिल ओपन, व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? खेल बताइए क्या है ओपन इंटरेस्ट? अभी तो बोल रहे थे सब लोग 100 श्योर नहीं, 2900 वाले कौन है? हाथ उठाएं, 20, बस एक ही आदमी है। जीरो वाले, जीरो ओपन इंटरेस्ट, 100 वाले, तो बाकी लोग कहां हैं? माइनस 100 वाले भाई, तो आप लोग कहां हैं भाई, कुछ तो बोलिए। हाँ, 100 वाले भी नहीं है, 29, आप कहीं पे हाथ उठे आप बताइए क्या बोल रहे हैं? 29,000 ओपन इंटरेस्ट है। चलिए और बताएं, आप वहां मैडम को दीजिए माइक, कितना? 100 है ओपन इंटरेस्ट, देखिए 100 बोल रही है, बताइए कितना? 30 ओपन इंटरेस्ट है। देखिए, अब एक दूसरे के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए इसीलिए मैंने बोला था ना, सवाल पूछा करिए, जब नहीं समझ में आता है तो पूछिए ना, ये चीजें बहुत जरूरी है, कुछ भी नहीं है, दिस इज अ गेम प्ले, मैंने बस थोड़ा सा आपके दिमाग साथ खेल दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने सोचा बड़ा सा अच्छा सवाल, आसान सा सवाल आ गया, अभी यही सवाल मैं ये पूछता अगर बस मैं यहां से ये हटा देता, बस ये हटा देता, अब बताइए क्या ओपन इंटरेस्ट है? 3000 अब क्या है? जीरो, क्योंकि बायर ने खरीदा ही नहीं है, तो बायर ने खरीदा नहीं तो जीरो ओपन इंटरेस्ट, समझ गए? जब तक बायर खरीदेगा नहीं, जीरो ओपन इंटरेस्ट। रेगिस्तान में जाके बिस्लेरी की दुकान खोल दीजिए, जहां ना कभी कोई आए ना कभी कोई जाए, अब अपने में बिस्लेरी हो 5,000 करोड़ की कंपनी, उस रेगिस्तान में उस दुकान का क्या काम, कोई काम है क्या? नहीं है ना। तो जब बायर नहीं है, अब सलमान खान चाहे शाहरुख खान बना दे 5,000 करोड़ की पिक्चर, थिएटर में एक आदमी ना पहुंचे देखने के लिए, कोई फायदा है उस पिक्चर को बनाने का?
तो यहाँ वो पिक्चर बनी है 3000 लॉट की जिसको देखने वाला कोई दर्शक है ही नहीं। सीधी सी बात है, जब तक बायर नहीं आया तो उसको देखने वाला कोई दर्शक नहीं है। लेकिन जैसे ही यहां बायर आया, अब उसको ऑडियंस मिल गई। कितनी ऑडियंस मिली बताइए, कितने लोग खरीदे? 100 लोग। 100 लॉट खरीदा गया है ना, तो ये 100 लॉट हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट हो गया। आई बात समझ में? 100 हुआ यहां पर, जितने दर्शक आएंगे उतना ही ओपन इंटरेस्ट। आपके क्लास में यहां पर 50 सीट है, एक बार 15 दिन में, एक महीने में, तो 50 में से भरी अगर 30, तो 30 हुआ इनका ओपन इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि इस इंटरेस्ट के लिए ये क्लास लेने आएंगे। ऑफर मैंने 50 का किया, जो 20 नहीं भरे उन 20 का क्या लेना देना है? एक क्लासरूम में 50 सीट है, 30 बच्चे आ गए, 30 लोग आ गए, 30 ट्रेडर्स आ गए, 20 नहीं आए, वो हमको क्या पता कि कौन नहीं आए। नहीं आए तो नहीं आए, मेरा फोकस किस पे होगा? उन 30 पे। अगर सिर्फ एक आया तो मेरा फोकस होगा उस एक पे, और पूरे 50 आ गए तो मेरा फोकस होगा उस 50 पे। यानी कि मेरा इंटरेस्ट उनके प्रति क्रिएट होगा जो ऑलरेडी ट्रेड में हैं, जो नहीं है उनसे हमारा कोई लेन देना नहीं है। एंड दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट। आगे बात समझ में? तो बात करेंगे हम लोग यहां से वॉल्यूम्स की भी। हाउएवर, फिलहाल आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही रहेगा, फिर हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। हाउएवर, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो बात करता है क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन की। यहां पर ये फुली एयर कंडीशन स्कूल, फुली एयर कंडीशन हॉस्टल, वाराणसी से लगभग 35 किलोमीटर दूर चंदौली में बना हुआ ये स्कूल, बोर्डिंग स्कूल है, 140 बच्चों के रुकने की फैसिलिटी है। तो आप भी चाहें कि अगर आपका बच्चा क्लास 6 से स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन सीखे, CBSE बोर्ड का स्कूल है, तो क्लास 4 से वहां पर हॉस्टल में एडमिशंस चल रहे हैं। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वेबसाइट पर डिटेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन का आनंद लेते रहिए।